हेलो गाइस, दिस इज़ स्वदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग टेक बिगिनर। तो आज हम बिट्रेक्स के बारे में बात करेंगे, इसमें कैसे साइन अप करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है और यहाँ पे मैं टॉप की बात करूँ, ये काफ़ी मतलब बड़ा एक्सचेंज है। तो यहाँ पे मैं कुछ दिनों बाद ये इसको यूज करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो फीस है इसकी बहुत ही कम है, यानी 0.0075 की कुछ समथिंग है, और जहाँ पे बाइनेंस की बात करें वो 0.1% है। तो इतनी कम फीस गाइस मैंने सोचा भी नहीं था। जब मैं जेप्पे यूज करता था, मुझे इन सारा आइडियाज़ नहीं थे, क्योंकि मैं उस टाइम लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग करता था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे एक्सचेंजेस हैं। तो अभी अगर आप लोग जेप्पे यूज करते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो वहाँ पे INR डिपॉजिट मिलता है। तो अगर जो आप ऐसे कुछ यूज करना चाहते हैं, मुझे कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, वो उनको यूज करें, मेरे रेफरल लिंक। इससे आपको भी कुछ बोनस मिलेगा और मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, इससे काफ़ी मुझे सपोर्ट मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे बिट्रेक्स को चलिए कैसे साइन अप करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे ग्लोबल, यहाँ bittrex.com पे आ जाना है और सिंपली आपको सर्च कर देना है, गूगल पे आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे इसमें आपको मिलता है पीयर टू पीयर का भी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ लोडिंग लेगा। तो अब यहाँ पे डिटेल डालनी है, पूछ रहा है कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं या अपने बिजनेस के लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं पर्सनली खोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, तो ईमेल एड्रेस डाल लेते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड डालने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो यहाँ पे मैं 100 पासवर्ड को आप एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको पासवर्ड कैसे डालना चाहिए। ऐसे इतने नंबर्स हो गए, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट ऐसे, ठीक है, मतलब आप चेंज कर लेना, ऐसा ही मत डाल देना। और फिर ये कुछ ये वर्ड्स, डबल स्टार, क्वेश्चन मार्क, 04, ऐसे वर्ड्स, और मिनिमम 12 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको पासवर्ड डाल लेता हूँ। और यहाँ पे आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लेना। अगर जो मेरी लिंक से जाएंगे तो आपको रेफरल कोड ना डालना पड़े, अगर जो डालना पड़े तो मेरा डाल देना, जिससे आपको कुछ बोनस भी मिल जाएगा। और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि अगर जो आप क्लिक करके थोड़ा वेट नहीं करेंगे थोड़ा दिक्कत लेता है। तो आप एक बार ट्राई करेंगे और आपको फिर बैक बटन प्रेस कुछ प्रेस नहीं करना है, एक बार इसको प्रेस कर देना। चलिए प्रेस कर देते हैं इसको। फिर गाइज आपके सामने एक कैप्चा आएगा, और यहाँ कैप्चा में ऊपर लिखा होगा मोटरसाइकिल, यानी इस इमेज में आपको मोटरसाइकिल वाली पिक सेलेक्ट करनी है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे और ये कुछ लोडिंग ले रहा है, तो इंडिया कह रहे हैं कि हमने आपके जो ईमेल पे ये आपको एक मेल भेजा है, आप मेल चेक करिए और उसे 5 मिनट के अंदर वेरीफाई करिए। मैं दिखाता हूँ, मेल आएगा। तो यहाँ पे आपको मेल आईडी अपनी खोलनी है और यहाँ पे आपको रिफ़्रेश करना है। ये देखिए बिट्रेक्स ग्लोबल आ गया वेरिफिकेशन के लिए। आपको यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये वाला, और यहाँ इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये यहाँ पे लिख के आ गया, सक्सेसफुली मेरा लिंक वेरीफाइड हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं सिंपली। चलिए बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन के बटन पे हम लॉगिन कर लेंगे जो हमने पासवर्ड डाला था। तो चलिए यहाँ पे अपना मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। अब लॉगिन के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये कुछ गलत हो गया मेरा पासवर्ड। तो अब यहाँ पे आपको कैप्चा फिर फिल करना है उसी तरह। चलिए इसको फिल कर लेते हैं, और फिर आपको ये एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक करना है। आप इसे पूरा पढ़ भी सकते हैं, इसकी पॉलिसी। और यहाँ पे ये आ गया। अब हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस,
आप किस कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे मैं इंडिया सर्च कर लेता हूँ, इंडिया फिल कर लिया, और अपना एड्रेस डालना है तो चलिए अपना एड्रेस डाल लेते हैं। और फिर गाइज यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, और बता दूँ यहाँ पे जो APT नंबर है, आप अब यहाँ पे अपना पिन कोड भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल ये मुझे पता नहीं है, मैं अपना पिन कोड डाल लेता हूँ। और स्टेट यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ करना है, चलिए अपना स्टेट चूज़ करते हैं, चलिए उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे अपनी बर्थ डेट सेलेक्ट करनी है, तो ये उत्तर प्रदेश मैंने डाल दिया। और फिर आपको अपना बर्थ डेट सेलेक्ट करना है, और फिर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे इंडिया डाल लेता हूँ, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ प्रोविंस में आपको अपना स्टेट डालना है, सिटी डालना है। यहाँ पे अपना APT नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पे स्टेट नंबर और कंट्री सब कुछ हो गया है, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ। अब आपको कंटिन्यू के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, चलिए इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, तो चलिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करके। तो ये प्लीज़ वेट बता रहा है, और यहाँ पे इंडिया मेरा लिख के आ गया। और यहाँ पे आप अपना ये पासपोर्ट के जरिए कर सकते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस से आइडेंटिटी कार्ड में अपना वोटर आईडी या आधार कार्ड भी यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करने वाला हूँ, और यहाँ पे टेक अ फ़ोटो, फ़ोटो लेनी है तो उसका बैकग्राउंड बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो चलिए मैं अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स की। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, बता रहा है फ्रंट, पहले अगले हिस्से यानी फ्रंट पेज की फ़ोटो खींचनी है। लिखा है सेंटर योर आईडी टू टेक अ फोटो, मेक श्योर योर डिटेल्स आर क्लियर, यानी आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको अपने फर्स्ट उसकी इमेज खींचता हूँ, और यहाँ पे अपने बैक आइडेंटिटी की फ़ोटो खींचनी है, चलिए बैक की खींच लेते हैं। और फिर इस पर आपको क्लिक करके अपने फेस का वेरिफिकेशन करना है, अपना मतलब सेल्फ़ी लेना है, तो चलिए इसमें सेल्फ़ी ले लेते हैं। तो ये एक मैसेज आया है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस वाइल वी रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन, द प्रोसेस टिपिकली 5-10 मिनट, यानी 5 से 10 मिनट लेगा, आपका KYC हो जाएगा, द पेज विल बी ऑटोमेटिकली अपडेट वंस द प्रोसेस इज़ कम्प्लीट, यानी 5-10 मिनट बाद मेरा KYC हो जाएगा। तो आप अगला वीडियो आएगा कि कैसे ट्रेडिंग करती है, इसके सारे फीचर्स को मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आने वाले वीडियोस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और नीचे दिए लिंक पे आप साइन अप कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोस का के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। तो यहाँ पे देखिए लिखा है आइडेंटिफाई वेरीफाइड, जैसे मैं बोल रहा था ये मेरा वेरीफिकेशन भी हो गया, तो देख लीजिएगा इस कितनी जल्दी वेरीफिकेशन हो गया और तो आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में, उसी में आपको डिटेल में बताएंगे कैसे ट्रेडिंग करनी है। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।